हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से जैसा बहुत सारे दर्शक के ऑडियंस जो हमें देखते हैं वो जानते होंगे कि लास्ट पूरा वन वीक आई वाज नॉट हेयर इन इन द ऑफिस। आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया इन अ फैम टूर टू विजिट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कॉसल यूनिवर्सिटी न्यू ने इन्वाइट किया था हमें uh, तकरीबन इंडिया से uh, चार या पाँच एजेंसीज थी नेपाल से थी दो तीन एजेंसीज तो उनको उन्होंने इनवाइट किया फॉर फेमुलराइजेशन टूर जिसको हम फैम टूर शॉर्ट में बोलते हैं जिस पर कि जो भी यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ें करती हैं वो अपने जो की एजेंट्स होते हैं उनको वो फेमुलराइज़ कराती हैं अपनी फैसिलिटीज़ के साथ अपने कैंपसिज़ के साथ ताकि जब वो एजेंट जाके वापस इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करें वहाँ पर कोर्सेज को प्रमोट करें तो वो पूरी कन्विक्शन के साथ करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें आ, क्योंकि उस टाइम पे उन एजेंट्स ने वो सारी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ को खुद फर्स्ट हैंड पे एक्सपीरियंस किया होता है देखा होता है और वो पूरा इंफॉर्मेशन वो पूरी इंफॉर्मेशन होती है उनके पास कि क्या और कैसे वो यूनिवर्सिटी वाकई स्टूडेंट्स को हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में तो ये एक बहुत ही गेम चेंजर विजिट रहा गेम चेंजर इसके लिए रहा क्योंकि देखिए बड़ी सिंपल सी बात है जो भी एजेंट कंसल्टेंट हैं वो चाहे यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं उनमें शायद वो कन्विक्शन चाहे शायद वो श्योरिटी शायद वो कॉन्फिडेंस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज कोई भी है उसके बारे में नहीं रहता जब तक वो कंसल्टेंट एजेंट उस यूनिवर्सिटी में जाके उन फैसिलिटीज़ को उन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस नहीं करके आता तो यही पर्पज़ था यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल का हमें इन्वाइट करने का और हमें अपने कैंपस को विजिट करवाने का हमें आ, मौका मिला एक सिडनी कैंपस नहीं मैंने मैं गया अदरवाइज वहाँ पे जो न्यू कॉसल सिटी में न्यू स्पेस बिल्डिंग है वो हमने देखा जहाँ पे लॉ के कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं बिजनेस के कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं अकाउंटिंग के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं फिर न्यू कासल सी मी डी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो मेन सिटी है वहाँ पे क्यू बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी न्यू कासल की उसमें क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोर्सेज करवाए जाते हैं जैसे कि एनीमेशन ड्राइंग ड्राफ्टिंग थ्री डी में आ, अपना थ्री डी प्रिंटिंग वो हमने देखा वहाँ पे मीडिया के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं तो क्रिएटिव कोर्सेज बिल्डिंग में पढ़ाए जाते हैं उसके बाद जो सबसे बड़ा कैंपस है आप मेरे पीछे वो सारी चीज़ें देख भी रहे हो आप यू आर वॉचिंग दी यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कालागन कैंपस है वो तो जिसे कहते हैं कि अकेला एक दिन में पूरी यूनिवर्सिटी का के कैंपस वो घूमना बहुत ही मुश्किल है तो ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज है वो तो चलो सारी यूनिवर्सिटीज कोर्सेज पढ़ाती है बट बीइंग दिन ओनली वन ओनली यूनिवर्सिटी इन हंटर रीजन इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जो शायद मुझे भी अब से पहले नहीं पता थे देखो जब एक पूरा बहुत बड़ा रीजन जो है न्यू साउथ वेल्स एक बहुत बड़ी स्टेट है जैसा आपको पता है वहाँ पर जो मेन मेजर सिटीज़ हैं दो मेजर सिटीज़ हैं एक है सिडनी दूसरा है न्यू कासल सिडनी और ग्रेटर सिडनी एरिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हैं जैसे आप जानते हैं इसीलिए वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है सिडनी कॉस्मोपोलिटन में होने की वजह से ज़्यादा है बट अगर जैसे ही आप हंटर रीजन की तरफ आते हो तो वो सारा रीजन जो है वहाँ पे वाइनरीज हैं बहुत सारी और जो ये न्यू कासल सिटी है इट वॉज अ कोल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट होता था यहाँ पे कोल की माइनिंग होती थी अभी भी होती है और ये जो बंदरगाह है जो पोर्ट है जो हार्बर है वो अभी भी वहां पे कोल की शिपिंग होती है शिप जाते हैं बड़े बड़े और मेरे ख्याल साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलेशिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ के साउथ ईस्ट के जितने भी कंट्रीज वो आते हैं उसमें सबसे बड़ा कोल का ट्रांसपोर्ट कोल ट्रांसपोर्ट का वो शिप है तो अब ऑस्ट्रेलिया में तो कोल नहीं यूज़ होता बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे कोल तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है न्यूकासल और जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स या जॉब की या स्किन जितनी भी लोगों की रिक्वायरमेंट हो सारी ही यूनिवर्सिटी वहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का और इकोनॉमी को चलाने वाला तीसरा बड़ा सोर्स है यूनिवर्सिटी सबसे पहले हेल्थ है क्योंकि हंटर रीजन का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो वहीं पे है दूसरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सबसे सुंदर बीच हैं गोल्ड कोस्ट के बाद तीसरा जो है वो जो इकोनॉमी को चलाने वाला इस रीजन की वो है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट चाहे वो कैजुअल बेसिस पे जॉब करता है जिसको हम पार्ट टाइम जॉब्स कहते हैं या परमानेंट लेवल पे करता है तो वो ये पूरे रीजन को ड्राइव करता है और एक और बहुत अच्छी चीज जो मेरे को देखने को मिली कोई यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को पार्ट टाइम जॉब के लिए तैयार नहीं करती यूनिवर्सिटीज़ करती हैं रिज्यूमे बनाती हैं वो उनको परमानेंट जब वो बच्चा पढ़ाई कर लेता उसके बाद उनको तैयार करती बट नहीं ये यूनिवर्सिटी आपको पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी तैयार करती है आपको पूछा जाएगा अगर आप कंफर्टेबल अच्छा फील नहीं करोगे आपको बुलाया जाएगा आपको काउंसिल किया जाएगा आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे जॉब लेनी और आपकी हेल्प की जाएगी मदद की जाएगी जॉब्स लेने में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिले एक बांग्लादेश की स्टूडेंट थी जिसने खुद बताया कि मैं पेरेंट्स के प्रेशर में आके मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स ले लिया और यहाँ आ गई और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगा यहाँ पे मेरे को लगा मैं वापस चली जाऊँ मेरा मतलब बिल्कुल उदास थी और कोविड से पहले का कोविड शुरू हो गया था उस टाइम तो यूनिवर्सिटी का एक करियर सेंटर करके डिपार्टमेंट है जहाँ पर उसको बुलाया उसको पूछा उसको काउंसिल किया फिर उसने उसका कोर्स उन्होंने चेंज करवाया वो मीडिया में है और उसको पार्ट टाइम जॉब में दिलवाई और आज वो पढ़ाई भी कर रही है और पार्ट टाइम जॉब आप सोचो कि पैंतीस डॉलर एक घंटे की उसकी पार्ट टाइम जॉब की वेज रेट है और वो यूनिवर्सिटी कहती है कि सो, 20 में से सोलह बच्चों को हम कैंपस में ही काम दे देते हैं क्योंकि इतना बड़ा है। से दस रेस्टोरेंट है, है के अंदर ही, टक शॉप्स हैं अमेजिंग इट्स अ सिटी विद इन दिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ का कालागन कैंपस है अब यूनिवर्सिटी न्यूकासल इतनी इंपॉर्टेंट है देखिए आपने ये सुना होगा देखा होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल में ऑलोस्ट तकरीबन हर एक कोर्स की ऑफरिंग जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अच्छा एक और चीज इससे पहले मैं इसकी बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है पूरी स्टूडेंट स्ट्रेंथ का पैंतीस हजार स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहा है जिसमें मेजॉरिटी जो है वो डोमेस्टिक स्टूडेंट है पैंतीस हजार स्टूडेंट कैन यू इमेजिन दिस एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और इंटरनेशनल स्टूडेंट उसका छोटा सा पार्ट है तो आप इमेजिन करिए आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं जहां पर पूरे ऑस्ट्रेलिया के और पूरे दुनिया के लोग वहां पे पढ़ने आते हैं क्यों वर्ल्ड रैंकिंग 173 सेवेंटी वर्ल्ड रैंकिंग है दूसरा मैं जो बात कर रहा था बहुत सारे ऑलमोस्ट हर एक कोर्स के ऊपर स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं कुछ कोर्सेज में पंद्रह डॉलर की स्कॉलरशिप भी है तो ऑल इन ऑल जो इफेक्टिव फीस है वो 22 से तेईस हजार डॉलर एक साल की आ रही है मुझे नहीं लगता और कोई यूनिवर्सिटी इस लेवल की ऑस्ट्रेलिया में इतने सस्ते में क्यों स्टूडेंट भागता है स्टूडेंट इसलिए भागता है कि उसको पैंतीस हजार चालीस हजार फीस नहीं पे की जाती एक बार देखिए छह महीने की चलेगा उसको ये समझ नहीं आता कि अगले छह महीने में बीस हजार डॉलर और कैसे दूंगा यहाँ पे वो चक्कर ही नहीं है यहाँ पे साल की फीस ही आपकी इफेक्टिवली तेईस हजार चौबीस हजार डलती है पड़ती है तो एक सेमेस्टर के अगर बारह है तो दूसरे सेमेस्टर के भी इतने जो कि आप आराम से पे कर सकते हो और देन दी, फीस तो चलो एक पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you are studying in a world class university you are studying in a world class environment and the placement is kind of almost guaranteed part time job opportunities इतनी ज्यादा हैं आप सोच नहीं सकते और जो jo newcastle है city, वो सिडनी से तीन घंटे लगते हैं मैंने आते हुए भी सिडनी से ट्रेन में गया और जाते हुए ट्रेन में गया पूरे तीन घंटे एक ट्रेन जो थोड़ी फास्ट है वो दो घंटे में पहुंचा देती है पर वो दिन में सिर्फ दो ही ट्रेन है अदरवाइज तीन घंटे लगते हैं जो उसका सेंट्रल कोर्स कैंपस है जिसमें कि बैचलर लेवल के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो सिडनी से घंटा पंद्रह मिनट के हाँ तो उस कैंपस में अगर आपने पढ़ना है तो हो सकता है आप सिडनी में रहके भी कम्यूट कर सकते हो बट ऑल इन ऑल एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी बहुत सारी वीडियोज मैं इसकी बनाऊंगा बहुत सारी अच्छी चीजें एक और चीज आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे इंडिया के लॉ ग्रेजुएट जिन्होंने एल की हुई है बी एल एल बी है बी बी ए बी कॉम एल वो कैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जी जी टी इस यूनिवर्सिटी की आपके पास अगर फंड्स हैं आपकी एकेडमिक एक क्वालिफिकेशन आप मीट करते हो रिक्वायरमेंट्स को आपका अनजस्टिफाइड कोई गैप नहीं है आपकी जी टी मैं एक हफ्ते से लेकर पंद्रह दिन में क्लियर करा दूंगा कोई आपको परेशान नहीं किया जाएगा जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज खून निचोड़ लेती हैं तो इसलिए डोन्ट माइंड मी सेइंग से आई एम सॉरी फॉर दैट बट मैं आपको वैसे बताता हूं कि बहुत बच्चे परेशान कई बार हो जाते हैं कि एक ही दो दो महीने उनको पता ही नहीं चलता कि जी में अब रह का गया मेरा क्यों नहीं मेरा क्लियर हो रहा तो ये यहाँ पे वो पंगा नहीं है फंड होने चाहिए अकेडेमिक क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए गैप अनजस्टिफाइड नहीं होना चाहिए प्योर गुड टू गो नेक्स्ट इन जनवरी और फेबररी है ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज अवेलेबल है दिए हुए नंबर पे कॉल करिए एंड क्योंकि आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में से पांच या छः एजेंटी गए तो आप समझ सकते हो कि हमारी वैल्यू यूनिवर्सिटी कितनी करती है और अगर आप हम हमसे फाइल लगाओगे तो कितनी जल्दी प्रोसेस होगा और आपको बिल्कुल राइट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कुछ भी और पूछना है तो दिए हुए नंबर्स पे आपने दिए हुए इस पे वीडियो में न्यू नंबर पे कॉल कर सकते हो वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो हम आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज थैंक यू सो मच